तो नहीं है कि रात को सोते सोते उनको ऊपर से वही उतरी कि पे 124 लग जाए। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इट्स एब्सोल्युटली डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट। हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो FIR रजिस्टर हुआ 503/22 उसके बाद में, उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जब घर के ऊपर उसको लेकर लेने गए थे तब उनका कहना है कि दे वर ऑब्स्ट्रक्टेड। लेकिन अगर वो घर की अगर इंसिडेंट की बात है तो पहले FIR में भी आ सकती थी, क्योंकि पहला FIR जो है वो शाम को 4:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली इनको और 5:30 बजे इन लोगों ने FIR रिकॉर्ड किया है। तो उसके लिए सेपरेट FIR रात के 9 बजे के बाद में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इट्स एब्सोल्युटली डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट कि तुम लोग इंतजार करो कि आरोपी की बेल हो जाए एक केस में और उसको दूसरे केस के अंदर उठा के तुम डाल लो। प्लस 124 कैपिटल ए की दलील जो उनके सरकारी वकील प्रदीप भारत साहब ने जो की है उसका तो जिक्र भी नहीं है रिमांड एप्लीकेशन के अंदर, ना तो अरेस्ट मेमो के अंदर उसका कोई जिक्र था। ऐसा तो नहीं है कि रात को सोते सोते उनको ऊपर से वही उतरी कि भाई 124 लग जाए। तुम्हारे को 124 के लिए मटेरियल चाहिए ये बताने के लिए कि दोनों आरोपियों ने ऐसे कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे आपको यूँ एहसास होता है कि गवर्नमेंट के तरफ उनका डिसअफेक्शन हो। उनका काम ये था कि वो चाहते थे कि आके बाहर खड़े के हनुमा चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा जो है वो गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई डिसअफेक्शन नहीं होती है। हनुमान चालीसा जैसे मैं लिमिटेड समझता हूँ मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे कि लॉर्ड राम की तारीफ है उसके अंदर, और अगर लॉर्ड राम की तारीफ है तो तुम्हारे को ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? तुमको तो उनके बाजू में खड़े रहकर तुम्हारे को लॉर्ड राम की तारीफ करना चाहिए, हनुमान चालीसा उनके साथ में पढ़ना चाहिए। यही हमारी दलील थी कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अगर 124 के दायरे में पड़ता है या 153A के दायरे में पड़ता है, यानी कि सब मंदिरों के ऊपर ताले लग जाने चाहिए, सब लोगों की इबादत के ऊपर ताले लगना चाहिए, हर मजहब की इबादत के ऊपर ताले लग जाने चाहिए, तो दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पहली बार ऐसा किसी किस्म का केस बना है हमको सुनने को मिल रहा है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना है कि आप अपने मजहब की इबादत करना चाहते हो और उसको आप 124A के दायरे में और 153A के दायरे में लेकर आओ। हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, जज साहब ने 27 तारीख को उनको दिए रिप्लाई फाइल करने के लिए और 29 तारीख को रखिए आर्ग्यूमेंट्स के लिए। बेल फाइल करने के लिए हमने सोचा था हम नहीं करेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ये थे, लेकिन उसके बाद हमको ये पता चला कि हमारी कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दूसरों के ऊपर FIR रजिस्टर किया है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि ठीक है, जब दोनों पलड़ों को ये लोग एक तरीके से लोग हैंडल करना चाहते तो वी थॉट दैट द पुलिस वॉज फेयर। लेकिन जब हमने वो FIR पढ़ा तो हमने देखा कि उसके अंदर जो 4 नाम जिनके खिलाफ उनकी कंप्लेंट थी उनका कोई जिक्र भी नहीं है। 307 का कलम जो उन लोगों ने ऐड किए थे कंप्लेंट में उसका कोई जिक्र भी नहीं है। पूरा केस जो है वो डाइल्यूट हो गया। और हमें ये बताया गया कि वो सेकेंड FIR जो है वो इन दोनों की कंप्लेंट की बुनियाद पर नहीं बना, पुलिस ने अपनी मर्जी से बनाया। अगर पुलिस ने अपनी मर्जी से बनाया तो 9 बजे तक इंतजार करने की क्या ज़रूरत थी? 5 बजे उनके FIR के साथ में FIR तुम्हारे को बना लेना चाहिए था।